आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद 4,839 मत पाकर हुए विजयी। सपा प्रत्याशी रजनीश यादव को मिला कुल 407 वोट। सपा प्रत्याशी का जमानत हुआ जब्त। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने दिया सीपी चंद को जीत का प्रमाण पत्र। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने अधिकारियों के साथ महायोगी गोरखनाथ टर्मिनल गोरखपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सुरक्षा ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ड्यूटी पर सतर्क रहने के दिए निर्देश। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव का मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच कचहरी क्लब में हुआ संपन्न। भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद 4,839 मत पाकर हुए विजयी। अब जनपद में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की DDMS ऐप के माध्यम से ड्यूटी की जाएगी चेक। उपस्थित न मिलने पर देना होगा स्पष्टीकरण। एसपी सिटी ने दी जानकारी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के भाजपा के नव निर्वाचित MLC सीपी चंद ने चुनाव जीतने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं व शीर्ष नेतृत्व को दिया धन्यवाद। सपा प्रत्याशी ने भी चुनाव हारने के बाद उनके पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं को दिया धन्यवाद। अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। मंगलवार को जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने बेदीहाता चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक नाली नाले पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर किया चालान। सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से करवाया खाली। अपर नगर मजिस्ट्रेट ने कहा आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ चलता रहेगा अभियान। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्यवाही। दो सौ लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 किलो नौसादा, 2 किलो यूरिया व कच्ची शराब बनाने का उपकरण किया बरामद, भेजा जेल। और गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में विजयी भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। कहा पंचायतों को अधिकार में वृद्धि दिलाना है हमारी प्राथमिकता।